असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम लोग काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे। इससे पहले वाले लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि काई स्क्वायर का जब FO दे रखा हो, यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो किस तरीके से हम उसकी काई स्क्वायर के द्वारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो अंतर है उसकी सार्थकता ज्ञात करेंगे। काई स्क्वायर का ही एक दूसरा जो टाइप है, जिसे हम 2x2 कंटिजेंसी मेथड बोलते हैं, या 2x2 आसंग सारणी या आसंग विधि बोलते हैं। इसके अंतर्गत जब हमारे पास दो वेरिएबल हों और जब दोनों ही वेरिएबल दो दो भाग में बटे हों, तब ये काई स्क्वायर का मेथड यूज़ में लिया जाता है। और इसके द्वारा भी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसमें और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में अंतर, सॉरी, उसमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ही रहती है, इसमें हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स की जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उनमें जो अंतर है उसकी सार्थकता ज्ञात करने के लिए इसे उपयोग में लिया जाता है। फिर से आप देख लीजिए, जो पहला मेथड था वो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए था, और ये 2x2 कंटिजेंसी जो मेथड है ये अलग अलग ग्रुप्स में जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो हमने किसी परीक्षण के द्वारा ऑब्जर्व कर रखी है, उस फ्रीक्वेंसी में जो अंतर आ रहा है उसकी सार्थकता, यानी समूहों के बीच ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए ये मेथड यूज़ में लिया जाता है। इसका आप सूत्र देख सकते हैं, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डायरेक्ट सूत्र के द्वारा ही आंसर निकल आता है। इसमें कोई और तरीके की कैलकुलेशन या आंकलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका सूत्र आप देखिए, जो कि दे रखा है, वेट अ मिनट, देखिए ये इसका सूत्र काई स्क्वायर का दे रखा है। काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन, एन यहाँ पे आपको सारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका योग है, इसके अलावा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, और अपॉन में है, यानी कि डिवाइडेशन में है, A प्लस B इंटू C प्लस D इंटू A प्लस C इंटू B प्लस D। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, जैसे इसमें दे रखा है उदाहरण में, दो लिंगों के विद्यार्थियों अर्थात लड़के और लड़कियां जो है उनके भिन्न भिन्न आंकिक परीक्षण दिए गए हैं। 50 छात्रों और 50 छात्राओं का अनायास प्रतिदर्श लिया गया, क्या लड़के और लड़कियों में वास्तव में आंकिक योग्यता में उत्तम है, यानी कि दोनों के बीच में क्या प्रॉपर अंतर है, वास्तविक अंतर है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रथम प्रकार के परीक्षण में लड़कों को 22 और लड़कियों को 27 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि द्वितीय में 28 और 23 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपको एक टेबल दी हुई होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है, 2x2 कंटिजेंसी में हमेशा ही आपके पास दो ग्रुप होंगे, और वो दोनों ग्रुप, जैसे यहाँ लड़के और लड़की हैं, ये दो ग्रुप हैं, और ये दोनों ग्रुप यानी ये दोनों जो चर हैं ये दो भागों में बटे हुए हैं, यानी टोटल आपके पास जो है वो 4 का डेटा रहेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। देखिए, आप जो ध्यान रखने वाली बात है वो इसमें आप जो चारों सेल है 1, 2, 3, 4, इन चारों सेल को आप जो मार्किंग देते हैं, ABCD ग्रुप मार्किंग देते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखने की बात उसी में है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन इसमें गलत हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि हमें जब भी आप ग्रुप मार्किंग करेंगे तो वो ए और बी हॉरिजॉन्टल में आएंगे, यानी कि इस तरीके से आप ए और बी लिखेंगे, ना कि ऊपर नीचे आप ए बी लिखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको हमेशा ही ग्रुप जो ABCD आप देंगे सेल्स को नाम, वो ए और बी उसके हॉरिजॉन्टल में, फिर नीचे सी और डी उसके हॉरिजॉन्टल में, इस तरीके से आप ABCD ग्रुप्स का नाम देंगे। ये देखिए नीचे यहाँ दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद बस अगर आप ये ग्रुपिंग कर लेंगे उसके बाद ये बहुत आसान है।
आपको क्या करना है, फर्स्ट इन दोनों का योग करके यहाँ पे ए प्लस बी, सी प्लस डी का योग करके यहाँ पे सी प्लस डी, ऊपर नीचे ए प्लस सी इनका योग और इधर बी प्लस डी इनका योग। जो हमने ये नीचे चारों अंक लिखे हैं योग के, वो ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये चारों यहाँ आ जाएंगे और इन सब का योग यानी कि इन दोनों का और इन दोनों का समान आएगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टोटल योग है जिसे हम एन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास देखिए ए बी सी डी करने के साथ ही आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, और एन आप टोटल निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सिर्फ जो मार्किंग करनी है, जो आपको ग्रुप्स को नेम देने हैं, सेल्स को नेम देने हैं ए बी सी डी, उसका ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, जो ये आपका सूत्र दे रखा है इसमें आप मान रख लेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन, एन यहाँ पे हमारे पास 100 है। फिर आप देखिए ए डी, ए डी के बीच में कोई गैप कुछ भी साइन नहीं है, दैट मीन्स ए इंटू डी। तो ए आपके पास कितना है ये आप देखिए, ए यानी 22 और डी यानी 23। आप सूत्र याद रखने का भी अभी मैं तरीका आपको बता दूंगी। तो ये देखिए 22 इंटू 23, फिर आपके माइनस का साइन है तो माइनस, देन आपका बी इंटू डी यानी बी ये है और डी ये है, तो बी आपका 28 और डी आपका 27। इनको आप होल स्क्वायर में ले लेंगे, ये जैसा कि हमारे सूत्र में दे रखा है होल स्क्वायर में आप ले लेंगे। और नीचे जो है वो ए प्लस बी, ए प्लस बी आपके पास 50 था, सी प्लस डी आपके पास 50 था, तो 50 इंटू 50 और नीचे आपका ए प्लस सी 49 और नीचे बी प्लस डी आपका 51। तो ये सारी संख्याएं क्योंकि यहाँ जैसे मैंने कहा इनके बीच में कोई साइन नहीं दे रखा, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इन सारे योग को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सूत्र में आपने मान रख दिया, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास काई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ये काई स्क्वायर आपके पास आ गया 1.00, और काई स्क्वायर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉलम माइनस वन इंटू रो माइनस वन, और 2 × 2 कंटिजेंसी में हमेशा ही डीएफ जो आपका है वो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ कॉलम भी 2 हैं और रो भी आपके पास 2 हैं, तो 2 − 1 1, 2 − 1 1 और 1 × 1 यानी 1। तो हमेशा 2 × 2 कंटिजेंसी का डीएफ जो है वो 1 आएगा, और इसके आधार पे हम टेबल में मान देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आप काई स्क्वायर निकालना सीख गए हैं और डीएफ निकालना आप सीख गए हैं। तो इस तरीके से हम काई स्क्वायर का मान पता आप करेंगे, और हम टेबल में काई स्क्वायर की टेबल दी हुई होती है जिसमें आप डीएफ का मान देखेंगे, वहाँ 0.05 और 0.01 दो पर वैल्यू आपको देखनी होती है। यदि वो वैल्यू आपकी जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे कम है, यानी कि लेस देन आपकी जो टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू इज़ लेस देन, इसको आप लेस देन आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ये आप कहेंगे कि जो अंतर है वो सार्थक है। यदि टेबल वैल्यू आपकी यानी कि टेबल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू आती है तो वो आपका सार्थक नहीं होता। टेबल वैल्यू हम ये मानकर चलते हैं कि इतना अंतर या इतना काई स्क्वायर तो कोइंसिडेंटली हो सकता है, तो यानी कि जब आपका कैलकुलेटेड काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से अधिक होगा तभी वो सार्थक होगा, अन्यथा सार्थक नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है काई स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू है वो देखिए 0.05 पे 3.84 और उससे कम, और 0.01 पे है 6.63, जबकि हमारी जो कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू है वो इन दोनों से ही कम है। तो अर्थात ये इतनी वैल्यू तो कोइंसिडेंटल है, यानी कि संयोगवश भी हो सकता है इतना अंतर, तो ये वैल्यू इससे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, अर्थात हमारा काई स्क्वायर का जो मान है वो सार्थक नहीं है। यदि ये तीन इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा होता तभी हम इसे सार्थक मानते। तो इस तरीके से आप काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखने का सबसे आसान सूत्र है कि स्टार्टिंग में आपको एन के साथ जो मल्टीप्लाई करना है वो ए डी, यानी कि ये देखिए आप इसको ए डी क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई देना है, ए डी ये ए डी माइनस बी सी, यानी कि ए डी और उसमें से आपको ये बी सी को माइनस कर देना है। और नीचे जो सारे हैं वो तो बहुत आसान है,
क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चारों अंक निकाले हुए हैं, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू सी ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी, तो ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। तो ये एक तरीका है काई स्क्वायर का टू इंटू टू कंटिजेंसी को पता लगाने का। और इस तरह आई थिंक इस पे आप दो तीन अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू।